हमारे रॉकी भाई केजीएफ के चैप्टर 2 के एंड में भी जिंदा है। मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस है जो कि ये साबित कर सकते हैं कि वो जिंदा है। तो फिर खुशियां मनाओ भाई। तो यारों पता तो होगा कि केजीएफ का चैप्टर 2 जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेज में, बहुत ही ज्यादा हाइप में, लेकिन आज हम लोग उसकी बात नहीं करने वाले क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोस बना दिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक केजीएफ का चैप्टर 2 नहीं देखा तो फिर इस वीडियो को यहीं पर रोक दो, इसको आगे तक मत देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ जिससे कि आपका मजा किरकिरा हो सकता है इस केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर। तो फिर मैंने वार्निंग दे दी है, अब मुझे कुछ मत बोलना ठीक। तो बात करें कि देखो हमें जो है ना केजीएफ के चैप्टर 2 की एंडिंग में देखने को मिलता है कि हमारे जो रॉकी भाई है यानी कि हमारे जो रॉकी सर है उनकी हो जाती है मौत। जी हाँ, वो मर जाते हैं क्योंकि वो हमें पानी में भी गिरते हुए देखते हैं और वहां पर उनकी मौत हो जाती है। ऐसा क्लियर कट दिखाया तो जाता है, जी हाँ इतना तो दिखाया जाता है कि रॉकी भाई की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर रॉकी भाई की मौत हो चुकी है तो फिर केजीएफ चैप्टर 3 क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप लोगों ने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो फिर वहां पर हमें जो है रवीना टंडन एक बुक खोलती हुई दिखती है जिसमें लिखा रहता है केजीएफ चैप्टर। हालांकि उसके आगे 3 हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर 3 ही होगा। 1 होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 3 ही होगा। चौथा पार्ट तो अभी तक कुछ है ही नहीं दिमाग में। तो फिर ये बात तो पक्की है कि केजीएफ का चैप्टर 3 आने वाला है। तो फिर अगर रॉकी भाई मर चुके हैं तो फिर केजीएफ के चैप्टर 3 में क्या मजा आने वाला है? मतलब खुद ही सोच कर देखो, केजीएफ की सबसे बड़ी सफलता क्या है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? रॉकी भाई यानी कि हमारे रश भाई, और अगर वही मर गए, वही नहीं रहेंगे चैप्टर 3 के अंदर, तो फिर कौन देखने जाने वाला है इसको? मतलब खुद सोच कर देखो। अब देखो दूसरा रीजन जो कि ये प्रूव कर सकता है, या फिर कहो तो एक हद तक प्रूव कर सकता है कि रॉकी भाई मरे नहीं है, क्योंकि देखो इस मूवी की जो हीरोइन है ना उनको ये सपना आता है कहानी के बीच में। जी हाँ, उस मूवी के बीच में उन्हें एक सपना आता है जो कि हमें लगता है कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है, लेकिन बल्कि वो जो असल में है ना वो उनका सपना है। और फिर आगे जाकर जो है वो सपना कट हो जाता है और फिर रियलिटी वाली जो सीन्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि क्या पता उनका सपना टूटा ही ना हो, यानी कि यश की जो हीरोइन थी ना उसका सपना टूटा ही ना हो और वही सपना देख रही हो कि रॉकी भाई की मौत हो चुकी है। अब ये हो सकता है क्योंकि हमें ऐसा कोई भी 100% श्योर नहीं बताया गया है कि उनका जो सपना है वो टूट ही गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका सपना टूटा ही नहीं हो भाई साहब। उस समय से लेकर जो है ना आखिर तक, जब तक कि अधीरा और तो और रॉकी भाई की मौत नहीं हो जाती तब तक उनका सपना चलता ही रहा, और जो हमें रियलिटी लग रही थी यानी कि रॉकी भाई की मौत, क्या पता वो भी सपना ही उनका, या तो वो उनका सपना हो सकता है या फिर किसी और का सपना हो सकता है। इसके बारे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ ये सपना जरूर हो सकता है क्योंकि हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे इस मूवी के अंदर जो कि हमें लगता है कि रियल है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये सपना था। तो फिर दिस इज वन पॉसिबिलिटी, रॉकी भाई जो है ना वही इस मूवी की आन मान और शान है। तो फिर अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर चैप्टर 3 घंटा कोई देखने जाने वाला, किसी को पसंद नहीं आने वाली, ये मैं लिख कर देता हूं क्योंकि रॉकी भाई इज रॉकी भाई। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या रॉकी भाई जिंदा है या फिर मर चुके, या फिर आपके पास कोई और थियरी है इससे रिलेटेड कि रॉकी भाई जिंदा है कि मर चुके हैं? तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हो सका तो फिर मैं उसे पिन भी करूंगा और मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा और आपका नाम भी लूंगा। तो फिर अब इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं।